गर्मी का दिन था। सुबह की खिली धूप में एक टिड्डा बड़े मजे से घास पर फुदक रहा था। वह बड़ा खुश था और उस खुशी में गा रहा था, नाच रहा था और जिंदगी के मजे ले रहा था। एक ओर जहां टिड्डा अपनी मस्ती में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक चींटी अनाज के एक दाने को पीठ पर ढोकर अपने बिल में ले जा रही थी। जब चींटी एंट टिड्डे के पास से गुजरी तो टिड्डे ने उसे अपने पास बुलाया और प्यारी चींटी आओ मजे करें, लेकिन चींटी ने मना कर दिया और अपने काम में लगी रही। वह पूरे दिन कड़ी मेहनत कर एक एक कर अनाज का दाना खेत से उठाकर अपने बिल तक ले जाती रही। अपनी मस्ती में डूबा टिड्डा ग्रास हॉप पर चींटी को देखता और हंसता। वह बार बार उसे अपने पास बुलाता और प्यारी चींटी तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, आओ कुछ देर आराम करो, मेरा गाना सुनो। गर्मी के लंबे और उजले दिन है, ऐसे खूबसूरत दिन इस तरह से मेहनत करके हुए क्यों बर्बाद करना। चींटी बोली, मैं ठंड के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही करो, वरना बाद में पछताओगे। अभी से ठंड के मौसम के बारे में क्यों चिंता करना, टिड्डा बोला, मेरे पास पर्याप्त भोजन है और ठंड का मौसम तो अभी बहुत दूर है, उसकी तैयारी करने के लिए बहुत समय है। अभी का समय तो मैं आराम से सोते हुए और मजे करते हुए बिताना चाहता हूँ। मेरी मानो तो मेहनत छोड़ो और मजे करो। टिड्डे की बात पर ध्यान न देकर चींटी अपने काम में लगी रही। पूरी गर्मी मेहनत कर उसने अपने बिल में ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया, जो ठंड के दिनों में उसे काम आने वाला था। उधर टिड्डा ठंड के मौसम की तैयारी के स्थान पर पूरे दिन नाचता गाता रहा। अपनी मस्ती में उसे होश ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। जल्द ही ठंड के दिन और फिर बरसात के दिन आ जाएंगे, जो उस जैसे जीवों के लिए मुश्किल भरे दिन होंगे। धीरे धीरे गर्मी चली गई और वसंत का मौसम आ गया। फिर वसंत का मौसम ठंड में तब्दील हो गया। अब तो सूरज बमुश्किल आसमान में नजर आता। दिन छोटे हो गए और रातें बड़ी हो गई थी। कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी थी और बर्फबारी होने लगी थी। अब टिड्डे को महसूस हुआ कि चींटी सही कह रही थी। उसे भी इस मौसम के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन वह तो पूरी गर्मी नाचता गाता और मजे करता रहा। अब न उसे गाना गाने का मन कर रहा था, न ही नाचने का। उसका भोजन खत्म हो चुका था, वह ठंड और भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा नहीं था कि ठंड इतनी बुरी भी हो सकती है। उसके पास भोजन नहीं था, बर्फ से बचने का इंतजाम नहीं था। उसे लगने लगा कि जिस गर्मी के मौसम में उसने इतने मजे किए हैं, शायद अब अगली बार उस मौसम को देखने के लिए वह जिंदा ही न बचे। एक दिन भूख से तड़पते हुए बर्फीले मौसम में उसकी नजर चींटी पर पड़ी, जो अपने बिल में मजे से आराम कर रही थी। उसके पास पर्याप्त भोजन था और ठंड से बचने के लिए आसरा। टिड्डा पछताने लगा और रोने लगा। उसे समय बर्बाद करने का फल मिल चुका था। सीख: समय का सदुपयोग करें, अन्यथा समय हाथ से निकल जाने पर पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता।